अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग लेके आई हूँ। घर में ना चने पड़े हुए थे, आलू पड़े थे बॉयल किए हुए, एक दिन पहले मैंने बॉयल करके रख दिए थे, ये फ्रिज में पड़े हुए थे। तो मैंने कहा बच्चों के लिए चाट ही बना लूँ, चना चाट बना लूँ, ठीक है। तो मैंने फिर ये क्या किया जी, ये मेरे पास आलू पड़े थे हाफ के जी, और चने ए जो मैंने आपके लिए आपके साथ चने वाले चावल शेयर किए थे ना, तो उसमें से मैंने थोड़े से बचा लिए थे, ठीक है। तो ये वो चने हैं थोड़े से, ठीक है, इसको बॉयल किए हैं। तो कश्यप हमारा इंतज़ार कर रही थी, कश्यप बोल रही है, कहती मम्मा मैंने भी आपके साथ वो इस रिकॉर्ड करनी। मैं कह बेटा रिकॉर्ड करो जी, आज हम लाए थे चना चाट की वीडियो आपके सामने। मम्मा आपके सामने मम्मा बना रही हैं, काट रही हैं, अभी आपको बताएंगी कि हमने क्या क्या डाला था, क्या क्या इसमें खूबियां डाली। इतनी प्यारी ये बताओ ना क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। हमने आलू लिए थे, हमने इसको कटिंग कर दिया। अब मम्मा ये आपके साथ बाद मम्मा ये कटिंग कर रही हैं आपके सामने, ये देखिए आपने भी ऐसी कटिंग करने हैं। और चने मम्मा ने आपको बताया है, हमने व्हाइट चने और चने बचा लिए थे, तो फिर हमने वो हमने रख लिए। तो आज शर्मा गई तो कहते मम्मा मुझसे बोला नहीं जा रहा, बेटा इधर आओ ना। तो ये देखिए आलू मैं काट रही हूँ, तो बड़े आराम से आप लोग आलू के एक ही शेप दें, तो मैं इस तरह काट रही हूँ। आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी काट सकते हैं, ठीक है। तो पीछे से बच्चे बोल रहे थे आप बड़े तेज हो। तो अब ये देखिए हमने आलू कटिंग कर ली है और वाइट चने जो हमारे साइड में, अब मम्मा ने जो अब आपके सामने मम्मा ने ये क्या ये चने डाले हैं। अब मम्मा इसके और भी डालेंगे, मम्मा ने अब नींबू लेमन लिए हैं, नमक भी लिया है, और हमने साथ इसके साथ ही ओनियन भी लिया है। हाँ जी, मैं बताती हूँ, नमक मैंने जी इसमें हाफ चम्मच ऐड किया है और चाट मसाले का एक चम्मच ऐड किया, क्योंकि हम लोग थोड़े से स्पाइसी बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार बनेंगे। और तीन अदद मैंने लेमन ऐड किए और एक अदद मैंने प्याज ऐड किया, ठीक है। ये सिंपल से आलू चने मैंने बनाए हैं, मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया, ना ही बंद गोभी। मैं वो चीज़ बनाती हूँ जो मेरे बच्चे शौक से खाएं, क्या फ़ायदा बाद में बच्चे ज़ाया करें और इसमें से टमाटर निकालें और बंद गोभी निकाल दें तो वो बेकार हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें वो ऐड नहीं की। वो ऑप्शन है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें टमाटो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर खीरा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप इसके अंदर खीरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जो चाहे अपनी मर्जी से सब कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये ऐड किए सब कुछ, तीन चार चीज़ें बस, और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो मैं मिक्स करने लगी हूँ, तो मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी जी मैं आ रहा हूँ, तो क्या बना रही हूँ। मैंने कहा मैं चना चाट बना रही हूँ, कहते मेरे लिए भी लाजमी रहना। मैं कह लो जी छापा पड़ गया जी, चांद साहब का भी अभी हिस्सा रखना पड़ेगा। मैंने तो कहा था कि हम अकेले के लिए मज़े से चटकारा लगाएंगे, और चांद साहब की किस्मत देखें कैसी है। तो फिर मुझे चांद साहब को भी देना पड़ा, क्या करें उनके बगैर तो हम खा तो नहीं सकते। मैंने फिर भी उनके लिए रख देने थे, मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ, क्योंकि उनके बगैर मैं कोई चीज़ नहीं खाती। मैं उनके लिए लाजमी चीज़ें देती हूँ, घर में आए तो साथ मिलके खाते हैं, अगर ना आए तो उनके लिए फ्रिज में। ये सामने मैं ये कटोरियों में तीन कटोरियों में मैंने ये निकाल ली है चना चाट, ठीक है। बाकी मैंने ये बॉल मैंने साइड में रख दिया तीनों के लिए। हाँ जी, हम तीनों के लिए मम्मा ने अब चना चाट डाल दिया है, अब हम आपको खा कर बताएंगे कैसी बनी, कितनी प्यारी प्यारी शेप आ रही है। अब तो आप हम आपको खा कर बताएंगे कि कैसी बनी है। ये देखिए मैं आपको आगे बैठे हुए। हाँ जी कशा, कैसी हो? ठीक हूँ। फातिमा आप कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक है, आज आप रोक रही थी स्कूल से आके? वैक्सीन लगी थी, अब दर्द तो नहीं होना? तो इसको ना वैक्सीन लगी थी तो ना रोना शुरू हो गई, तो कहती दर्द हो रही है। मैंने इसको ब्रूफन का सिरप दिया, फिर सो गई, अब सो के उठी है। तो ये मैं कह चलिए चना चाट खाने का। अच्छा जी, तो पहले इन्होंने मजा आएगा। हाँ जी, इनका सुबह का ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ था, फ्रेंच टोस्ट मैंने बनाए थे घर में, साथ में सोडा पिया था इन्होंने। अब मैंने कहा चले चना चाट देती हूँ उन्हें, ट्यूशन जाना है, पड़ा हुआ है। चले पहले ये तो खाओ, बताते हैं जी खा के।
अच्छा जी, तो ऊंचा बोलो कि मजेदार दुनिया में पानी नहीं सकते। आप भी खाएंगे? मैं बाद में खाती हूँ, आप खाओ। चलो जी जल्दी जल्दी खाओ फिर। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से खाओ, लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही हो, राइट हैंड से खाओ। आपने पहले भी ऐसे किया था, लेफ्ट हैंड से खाई थी, राइट हैंड से खाते हैं बेटा। मैंने कितनी दफा आपको मना किया है, बुरी बात होती है, शैतान खाता है लेफ्ट हैंड से। ऐसे मन नेक्स्ट मैं आपको ना देखूँ, ठीक है? वो देखो फातिमा कितनी समझदार है, राइट हैंड से खाती, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना फातिमा? पहले का शौक है, पहले का शौक है। की जाए माँ वाली जाए मैं अपनी बेटी की। अभी ये बेटा आप ही खा लो, बार बार ब्रश कर लेना, ट्यूशन का टाइम हो गया, पकड़ो जल्दी जल्दी करो ना, टाइम नहीं है ना बेटा, 4 बज गए हैं। ये देखिए जी हमारे बाकी आलू चने, ये मैं आपके सामने भी टेस्ट करती हूँ थोड़े से खा के। हाँ, इसमें से मैंने अभी हसबेंड को भेजने हैं, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। चले अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी, ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, ये देखें कश्यप के लिए और फातिमा के लिए लाइक करें, शेयर करें, बताएं जी मेरी आपको ये स्वीट स्वीट बेटी हैं कैसी लगती हैं। अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। इस दुआ के साथ मुझे जा दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी तुम बहुत मज़ा, ये देखो ये देखें आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।